गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्धी 96.4। रेडियो सान्धी 96.4। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, चाहे जितना भी पूजा कर ली या 9 दिन के अखंड उपवास कर ली, माकिर नारी की इज्जत समान करे के ना सिकेम त ई सब बेकार बा। सच कहल जाओ त श्रोता मित्र, सही में माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती ई सब के है त एक महिला ही है। पूरा शक्ति श्रद्धा भैला से हमने के कयों लाइन ला के पूजा आजा करेनी सन। माकिर कभी काल अपन खुद के घर के लक्ष्मी यानी के अपन घर के गृहणी के अपहेला घृणा दुख देवेनी सन, तब कथी के हमने के मठ मंदिर में पूजा आजा करे जानी सन। इस सब बेकार त ह। जब अपन घर के गृहिणी के उ आदर सम्मान इज्जत ना दे सकेम तब का कौनो पूजा सफल हो की। जब तक हर एक महिला की इज्जत सम्मान ना करेम तब कैसे समाज के एक असल व्यक्ति की पहचान बनाएं। अगर हर घर में महिला के भी उतने अधिकार सम्मान मिली तब कौनो भी बेटी या पतो हिंसा के शिकार ना होयन, हिंसा वृद्धि ना न्यून हो चल जाए। एक माँ बेटी के जन्म देवेनी तब 10 किस्म के मन में सवाल पैदा होला, ऐसा सवाल भी पैदा ना हो कि जन्म में जैसे बेटा के जन्म देव में खुशी होकेला वैसे ही खुशी बेटी के देव में भी हो कि। प्रणाम और स्वागत बाबिन सुन रहा बन रेडियो सान बी 96.4 MHz के कार्यक्रम संघर्ष आई आवाज है। अपने के संगतिया हम मानती के हमारा टेक्निकल साथ दे रहा बनी सहकर्मी सानुजी। तो श्रोता मित्र अपने लोग के मालूम ही बा कि ये कार्यक्रम हर शनिचर के दोपहरिया नेपाल खबर के बाद आवेला और एमे एक महिला गेस्ट के ही हम निमतियानी। तो आज के हमने के महिला गेस्ट बानी प्रतिनिधि सभा के सदस्य चंद्र तारा शेख जी। स्वागत बा कार्यक्रम संघर्ष में। धन्यवाद तारा जी, क्या हाल खबर बा? सब ठीक बा जी। अभी नी मतलब अपने सुरक्षित बानी, सेफ बानी जी? हमने के खोप लागल बा जी जी, और हमने के अभी प्रतिनिधि सभा के हाउस तलता वैसे हम काठमांडू में बानी अभी जी। अभी नी वहाँ काठमांडू में बानी। अभी काठमांडू में कोरोना के माहौल कुछ ज्यादा ही बा, कैसन बा काठमांडू के हाल खबर? फिर बढ़ता कोरोना के माहौल और तीसरे वेव भी आवे के बाद ये कौनो 9 दिन के अखंड उपवास कर ली माकिर नारी की इज्जत समान ना कर सके तक इस सब बेकार बा। अपने के विचार में का लागे ला में? एकदम सही बात बा, काहे कि हमने के शुरू से महिला की इज्जत, चाहे हमने के देवी देवता में महिला की इज्जत बा, हर एक जी जी महिला इज्जत बा, कौनो धर्म को उन्हें महिला की बहुत इज्जत बा। हमने के कहे निशन की जहाँ जौन घर में नारी के सम्मान ना होला वहाँ लक्ष्मी के बात ना होला, वही से नारी के सम्मान सबसे पहले जरूरी बा। नारी के जितना योगदान बा घर परिवार में या बाहर ऊपर हमने के जितना भी ऊपर तारीफ करो या वर्णन करो बहुत कम बा जी। काहे सबसे पहले तो जननी बा, जननी सबसे बड़का चीज माँ आमा वो सबसे बड़का चीज जननी। कोनो संसार के चलावे खतरा जन जन्म करता ही महिला बा, वही बात एकदम सही बा, महिला के सम्मान को जरूरी बा। एमे एक और बात अपने की जोड़े के चाहे, जैसे कि अपने केंद्र में बानी, केंद्र राजनीतिक ओर से केंद्र सदस्य भी बानी हम प्रतिनिधि सभा के, तो अभी महिला सब के राजनीतिक में जाए में ना चाहेने लोग, एमे अपने लोग के का भूमिका बा?
अभी तो देखिए हमने के संविधान जो बनल बा जी जी बहुत हक अधिकार सुनिश्चित बा अभी नया संविधान में वही से बाध्यात्मक व्यवस्था भी बा जगह जगह नियम कानून बहुत बनल बा बाध्यात्मक व्यवस्था के कैला से महिला के सहभागिता अभी राजनीति में बढ़ल बा जैसे अपने देखे मेयर एगो पुरुष तो महिला उन्हें मस्त एकदम जरूरी बा उपमेयर वार्ड में भी वही बा महिला दलित के समावेशी के कारण समावेशी जो सिद्धांत सुनिश्चित भैल हमारे संविधान में जी तो कारण से महिला के सहभागिता और महिला के तनी मतलब सुविधा भैल बा राजनीतिक आवे में लेकिन पहले के जौन समाज रहे या हमने तराई के मधेश के समाज तो और ज्यादा तनी रूढ़िवादी टाइप के वैसे वहाँ महिला लोग के निकले में बहुत समस्या बा राजनीतिक में या अन्य बाहर उन लोग के काम करे के अवसर नहीं के हमने समाज के देखे के दृष्टिकोण भी फर्क बा दृष्टिकोण के कारण महिला के जौन इज्जत ना करे के कारण महिला के सम्मान ना देवे के कारण महिला लोग बाहर जाला तो पीड़ित रहला अभी देखी अभी तो धीरे धीरे महिला के ऑफिस जाए के महिला के कार्यालय सब में महिला के सहभागिता बढ़ल बा राजनीति में भी बढ़ल बा इ कारण से महिला के जब तक वहाँ सुरक्षित वातावरण ना हो हमने देखे के महिला के जौन नजर बा उनमें परिवर्तन ना हो तब तक ये समस्या आवत रही वही से अभी समस्या बा उ कारण से महिला बाहर जाए ना हिचकिचाला चाहे परिवार भी बाहर जाए उन लोग के ना देला बाहर एकदमी सिक्योरिटी सुरक्षात्मक वातावरण अभी भी कहीं कहीं नहीं बहुत जगह तो अभी देखिए पहाड़ में तो बहुत अच्छा बा महिला लोग गाड़ी बा लेकिन तराई में तनी सब समस्या बा वही से ये सब के समाधान कोई भी जरूरी बा वही से महिला लोग के तनी दिक्कत बा बाहर गई ये बात तो सही कहनी है। हाँ महिला लोग के दिक्कत भी बाटे और महिला लोग अपना आप के असुरक्षित भी फील करेने लोग कैसे अभिन की स्थिति भी असंख्य हो रहल बा अपने सुनले भी बानी न्यूज में भी बहुत ऐसा घटना भी हो रहल बा कि कहूँ बेटी जरावल तो कहूँ पत्तों के मार देवल तो कहूँ रेप केस ऐसा बहुत बढ़ रहल बाटे ये हमी के असुरक्षित ही फील करा रहल बा उसे भी घर परिवार के आदमी हो कोई या खुद के अभिन हमी के निकाले खातिर दिक्कत बा एमें अपने का कहे के चाहे एकदम जरूरी बात देखिए अभी तराई में बिया शादी बिया होला उसमें झूठ मूठ के गाना सब डीजे बहुत भोजपुरी गाना लगा के जी जी माहौल के बहुत खराब कर जाता उसके कारण मानसिकता जन पुरुष में बा वो सब चेंज होता युवा सब में भी मानसिकता एकदम खराब बैठल जाता अभी देखो ना नेट के जमाना बा हमनी के नेट के जौन बाटे हमनी के ओकरा यूज भी कर सकता नहीं अच्छा नहीं खराब नहीं खराब वाला तो खराब है वो सब देख के उसमें दुनिया संसार सब चीज दिखा वाला जी एक नजर से देखे तो सही भी बाटे एक नजर से अच्छा भी बाटे बहुत ऐसा चीज सीखे के भी मिले ला जी अब यदि हमने के अच्छा में ओकरा यूज करें अच्छा खतरा जैसे जी जी खतरा वैज्ञानिक खतरा या अपन पढ़ा तानी उस सब में निकाल गूगल में तो दुनिया संसार सब दिखाई अपने के स्टडी में सुविधा हुई हर एक काम में अपने के सुविधा हुई लेकिन ओकरा यदि गलत रूप से प्रयोग करें तो एकदम ही खराब बा उसे अभी के जो हमने के गाँव घर के युवा हम देखो तानी सबके हाथ में मोबाइल बा सब के खराब गाना इस सब के कारण उन लोग की मानसिकता बहुत ही खराब हो गई बा अभी वैसे ही घर परिवार के आदमी के गार्जियन के भी हम कहे के चाहता नहीं कि कम उम्र के बच्चा के भर सक मोबाइल ना दो आ दो भी तो ओकर देख रेख करत रहो जी जी एकदम सही कहनी है एकदम कर गाइड करे के पड़ी उसी कारण ही मानसिकता में परिवर्तन बा वही से तनी डर भी बा महिला के सिक्योरिटी में हमने के अपन बेटा के सुधारत नहीं की सन खाली बेटी के घर में बंद करे के भी तो अच्छा ना भइल वही से कम से कम हमर बेटा का करता हमारे बेटा कौन माहौल में बा कथी देखा था उस सब करके कंट्रोल करल भी जरूरी बा जी जी समाधान हुई कैसे हमी के बेटी के संस्कार ही सिर्फ देवनी सन बेटा के भी तो संस्कार उतने ही देवे के पड़ल कि कथी गलत बा कथी सही बा देखी बेटी के संस्कार से बेटी के खराबी करेला अपने केहू ना केहू तो लड़के ना उसे रेप करता है जी जी लड़के के ना करत केहू के जराव तो लड़के जराव था वही आपन बेटा के बेटी के तो भी संस्कार देवल जाला लड़की के भी देवल लेकिन लड़का के बेसी संस्कार देवे के लड़का के अच्छा बनावल जरूरी बा जैसे हमर दू गो लड़का बा हम ओकरा पूरा कंट्रोल में रखेनी वही नहीं देखो तीन गो दू गो चार गो सब अपन अपन बेटा के कंट्रोल करो ना कहीं खराबी ना हुई कहीं खराब महिला खतरा ये समाज ना हुई महिला कहीं भी जा सकता आराम से जी जी जरूरी है अभी एकदम सही कन्या एमे एक और बात अपने के जोड़े के चाहे जैसे कि अपने केंद्र तक पहुँचल बानी तो वहाँ गैला के बाद जितना हमी के महिला लोग पिछड़े बानी लोग जो कहल जाओ मधेसी या गाँव घर में अभी भी बहुत ऐसा महिला लोग पिछड़े बानी लोग जो उनके बाहर निकले के ना चाहेने लोग या घर परिवार भी उनका सपोर्ट ना करेने लोग तो वो खातिर अपने केंद्र में का पहल कैले बानी ऐसा कुछ पहल जी जी बहुत कानून बनाओगे बहुत ज्यादा कानूनों में बनल बा जैसे आई बोक्सी विधेयक आई रहे हमने गाँव घर में डाइन बोक्सी करके बहुत
टॉर्चर कर जाला उस सब भी बहुत कानून पहले ना रहे हमने हम गई उसे बेरा में बनल दाइजो संबंधी कानून बनल बा पहले तो नहीं दाइजो के दो सौ तीस में रखत रहे स्पेशल दाइजो कह के कानून बनल बा ओकर बाद अभी कार्यस्थल में जो महिला लोग बाहर जाला ओकरा यौनजनी हिंसा सब होला ओकर कानून बनल बा बहुत बड़ा संबंधी भी कानून सब भइल बा ओकर बाद घरेलू हिंसा जब घर घर में होला ओकरो भइल बा घरेलू हिंसा एक्ट बा एकदम स्पेशल घरेलू हिंसा खतरा पहले तो हमने के का होत रहल समाज में कि पति पीटी पत्नी के तो जनरल लेवल जात रहल खियावेला कमा के तो पीटी ना छोट मोट गलती में जी 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 ना अभी नहीं कि ओकरा कोनो के मारे के अधिकार ना अब ओकरा घरेलू हिंसा कह के ओकरा एक्ट बनल बा ना हमने के कानून बनल बा वैसे ई सब कानून हमने के बनौने छन आ जन अभियान भी अभी देखो तनी विभिन्न एनजीओ सब के भी अभियान सब जन अब गवर्नमेंट का तो उतना निकाय नहीं कि हरेक गांव हरेक वार्ड में जा जाके करेगा कौन वैसे संरचना नहीं के लेकिन महिला विकास बाटे कार्यालय उस संरचना मार्फत और उ लोग कार्यक्रम करेला महिला के का हो के यहाँ उ लोग मार्फत मात्र होला और एनजीओ मार्फत ये सब होता जागरण करेगा महिला के गाँव गाँव में जाके सब होता और पर्याप्त नहीं है हमने के भी हरदम कहे नहीं कि पर्याप्त नहीं है एक और बढ़ावे के पड़ी महिला के सक्रियता खतरा खाली महिला के हमने के भाग दे दिला से ना हो सक्रिय भी बनाओ के पड़ल उपस्थिति भी जनाओ के पड़ल अपने देखी हमारे गाँव पालिका बा छिपर माई गाँव जी जी उनका रूप में वाइफ जीतल बाड़ी लेकिन उनका वाइफ हम बानी आज तक नहीं की देखिए हर एक कार्यक्रम में उमेर जालन तो मैं महिला के सहभागिता के कोनो बाते ना बोलूं वो तो पुरुषे अगाड़ी बढ़ल होय उ तो खाली नाम देवल बराबर के भेल एक कॉस्मेटिक पार्टिसिपेशन कहल जाला ई कॉस्मेटिक देखाव खतरा मात्र ई सहभागिता हो ओइ से हमनी के सहभागिता देवल जा फ्रूटफुल एकदमै ओकरा जरूरी बा वहाँ महिला कम से कम लेई तो हम लेई लोग तो वो तो कम से कम खाली बैठी ना बोली तभी तो सुन के कुछ सीख सकती है ना सीख सके या महिला के हित खातिर भी कुछ कार्य भी बने के काम बैठल भी तो बहुत बड़का बात है पुरुष से महिला लोग शेयर ना कर पाए नहीं लोग पर महिला से महिला तो शेयर करे नहीं लोग कुछ जाके जबकि महिला उप मेयर के महिला इतना ज्यादा अधिकार मिलल बा कानूनी एगो समिति बा उस समिति में बहुत काम उप मेयर कर सकता चाहे गाँव पालिका के चाहे नगर पालिका के एगो लीगल सेक्टर बा कार्रवाई सब कर सकता लेकिन जानकारी देवे के कार्यक्रम सब होला बेला बेला में लेकिन वो अपर्याप्त बा हमने महिला लोग शुरू से घर में रखते रहे तो पुरुष एकदम अगड़ी बा महिला एकदम नीचे बा बराबर दौड़ावल भी अभी ठीक नहीं वही से हमने आरक्षण दे दे के अगड़ी आदमी बढ़ा होता धीरे धीरे चेतना के विकास होता लेकिन पहले देखिए हम एक मुस्लिम मधेशी महिला बानी है पहले हमने के मम्मी लोग के बेला में कहाँ कैसन रहे हमने के कैसन बानी सब वैसे परिवर्तन तो अवश्य भइल बा लेकिन ज्यादा नहीं के जी एमे एक और बात अपने से जोड़ी के चाहें जैसे कि अपने राजनीतिक दल के एथी हैं और केंद्रीय तक भी पहुँचल बानी तो सही में जौन 33% हमी के कहल बाटे कि हाँ महिला खातिर 33% हर जगह हर ठाव में का अपने लोग वो मतलब फील कैले बने लोग मिलल बाटे या मतलब वैसन शोषण भइल बा कि ना बहुत ज्यादा शोषण मिल बा देखिए खाली संविधान में लिखल बा ना अभी देख हाँ संसद में उतना पुगावल गइल बा उतना बा लेकिन मंत्रिमंडल भइल या अन्य ऑफिस सब में विभिन्न किस्म के जगह बा वहाँ नहीं छे पार्टी के केंद्रीय कमेटी में 33% नहीं छे हमने के खुद पीड़ित हमने के खुद कहे नहीं छन कि 33% पुगा कहाँ महिला छैन किन छैन महिला के जब नहीं छे हरेक समुदाय में से सहभागिता कराओल जाए तब ना महिला आई इतना है क्या कि महिला वास्तव में पिछड़े पुरुष लेकिन उ लोग ना चाहेला सहभागिता कराओ कि पुरुषवादी सोच जो हमने के साथ संरचना के कारण ये सब बहुत हमने के कठिनाई होता है वैसे ही हमने के खुद भी ऐसे पुलिस बने थे नियम तो हमने के लड़ झगड़ के सब महिला करा दिल 33% संविधान में आ भी गई लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो बा वो नहीं के होगा कार्यान्वयन नहीं के होगा ओकरा खतरा हमने के बार बार सदन से लेके हमने के हर जगह आवाज उठाने से हम जी खाली बोली में चाहिए ना हो के पड़ल की 33% मिल गल बा कार्यान्वयन ना हो की तो कौन वैल्यू ही नहीं के 33% के मिलल नहीं के बोली में ना संविधान में व्यवस्था कर लेकिन मिलल नहीं के देखी हमनी के एक रखत निरंतर काम में बानी सब जना हम ही ना हर एक पार्टी के महिला लोग रखत रखेला अभी हमनी के अपन माओवादी पार्टी के केंद्रीय कमेटी में 33% हो सके 80 को महिला के नाम अब ये केंद्रीय कमेटी में थपाए वाला बा 80 महिला जाई तो हमनी के उतना पूछ गई तो अब होता कार्यान्वयन हमनी के पार्टी में जी हो के भी चाहे कैसे महिला लोग बहुत पिछड़ल बने लोग कैसे एक से देके ही दूजे उठिए नो जब यदि अपने उठाव में मुकाम में पहुंचल बने तो अपने के देख के दूसर भी अपने के पीछे पीछे आइए तो वैसे सके सामान महिला के हमें के
पार्टिसिपेंट करावे के चाहें, कैसे एक के देके ही दूसर ही वहाँ जइन। एक और बात अपने से पूछे के चाहें कि जैसे कि ये राजनीतिक और आवे खातिर, मतलब अब जैसे कहनी अपने मुस्लिम समुदाय से बने, मुस्लिम समुदाय में बहुत ऐसा मतलब होकेला रीति रिवाज, रीति रिवाज के कारण भी निकले के ना मिलेला, या मतलब होकेला के कहल जाला कि मतलब बा काहे जन निकली, हमी के समाज एकरा खातिर मतलब स्वीकार नहीं के करत, तो अपने चाहिए राजनीतिक और अपना इच्छा से गई नहीं है कि मतलब। हाँ देखिए, हमारे तो राजनीतिक बैकग्राउंड रहे ना जी, फादर भी एकदम पूरा राजावादी रहन, उस टाइम में बहुत बड़का नेता रहन एगो राजा के टाइम में पंचायत सिस्टम में, तो हमारे बैकग्राउंड राजनीतिक रहे। लेकिन शादी, लेकिन हमने के कार्य मधेसी लड़की सन के तो शादी से पहले नौकरी हमने के टाइम में ना पॉलिटिक्स नौकरी में, हम कहीं तो मम्मी लोग कहे तुम नौकरी करोगे तो तुम शादी ना हुई जी बहुत पहले से बाहर जाए लड़की कहाँ से शादी हुई, तो हमने के नौकरी करके ना मिलल। आई कम में हमारे शादी हो गई कॉलेज पढ़ते में, लेकिन एकदम कम 16 वर्ष या 17 वर्ष में उठाई में शादी हो गई। कहल जाओ कि अपने के शादी भी बाल विवाह में भइल बा। हाँ उस टाइम में 16 वर्ष बालिक रहे, और 18 वर्ष उस टाइम में 16 वर्ष बालिक रहे, तो 17 में हमारे बैलवा जी जी। हम इस टाइम में बहुत, हमने के तो बहुत पुरान बहनी, तो उस टाइम संविधान भी ना रहे, अंतरिम संविधान से चलत रहे उस टाइम में, तो उस टाइम में हमने के शादी भइल, तो शादी भइल तो शादी के बच्चा भइल उस टाइम तक हमने के कोनो नौकरी करे के सुविधा ना रहे घर में। हाँ पढ़ाई के रहे हम, वही में बीकम कहीं नहीं, मास्टर सब कहीं नहीं, लेकिन नौकरी वोकरी करे के नहीं के रहे जी जी। फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करके हस्बैंड सब सपोर्ट करके हम टीचिंग में गई, टीचिंग ठीक बा, टीचिंग तक तो महिला कतरा ठीक बा, टीचिंग उचिंग कहीं नहीं। ओकर बाद मेडिकल कॉलेज खुलल, हम कॉमर्स बैकग्राउंड रहे, हम मेडिकल कॉलेज में टीचिंग काम कैनी, ओकर बाद आंदोलन भइल, तब हम तो लुका के उस टाइम में हमारे घर के कौनो तैयार ना रहे, हम जाके जब आंदोलन होके भाषण होके घंटा घर लगे उस टाइम में मधेसी नेता सर से हम संपर्क में करीना बेगम रही उस टाइम, उस टाइम महिला में ओकर बाद अमीलाल बाबू सर जन बाढ़ उ रलन, जितेंद्र जी रलन, बहुत नेता लोग मधेसी, तो हम जा जाके वहाँ भाषण करके फिर वापिस में आ जाए उस टाइप के रहे लुका लुका के। तो बाद में पूरा छोड़ देनी, और घर वाला बहुत खींचे आई, लेकिन मना उना के ना ठीक बा, मधेसी खतरा लड़े के बा, हमने के भी तो चाहिए ना पढ़ा लिखल बानी सन, हमने के अपन अधिकार खतरा लड़े के बा कहके उमे पार्टी में हम फर्स्ट समावेश बनी, उमे होते होते हम राजनीति में हमारे सहभागिता बनी बा जी। यानी कि अपने भी मतलब बहुत ऐसा कैले बानी जन के कन्विंस कहल जाए, फैमिली सपोर्ट स्टार्टिंग में तो अपने को ना मिलल हो कि ना। शुरू में तो बहुत हमारे ससुर भी रहन, वो भी कहत रहन कि ना ना बहुत आदमी के बीच में बोले के बदला धनी के लास्ट शर्म नहीं के टीचिंग नौकरी ठीक बा, ये सब ठीक नहीं के, लेकिन हमारे हस्बैंड से कहो के बहुत दिक्कत से, बहुत ही दिक्कत से हम कन्विंस कह के, वो कितना में तो हमारे जाए के ना मिले, नहीं के जाए के कहते रोड में कितना जाए के ना, कितना में लुका के जाए के पड़े। हाँ धीरे धीरे अब तीन उम्र भी हो गई, तो बच्चा भी बड़का हो गई, तो हाँ ठीक बा कहके, लेकिन यंग एज में हमने के कहीं जाए के ना मिलल जी। कैसे मतलब कहल जाओ ना कि वो बखत में समाजे वैसन रहे कि मतलब बहु बेटी के मतलब दो आदमी के सामने जाके बोले के बाद दूर के बाद बा, एक घर में से निकले के भी उतना परमिशन ना मिलत रहे, ना रहे काहे जाए के, अभी तो के उम्र भी नहीं के, बच्चा छोड़ बा तो काम घर परिवार के देखे के बच्चा पाले के तो के जिम्मेवारी का हमने के हरदम ये कन्विंस ओके जी। लेकिन बच्चा तनी बड़का भेल तो हमनी के और ये अपने के मेन सपोर्ट चाहिए के कहले बानी। हमर मेन सपोर्ट सबसे पहले तो हमर फादर कहले बानी, जोन हमरा सबसे बेसी पढ़ावल ना, उ बेरा में मदेसी पढ़तो ना रे उ टाइम में उ हमरा एजुकेशन देलन, आ ओकर बाद में हस्बैंड घर में, तो हस्बैंड फिर हमर फादर भी रहलन, उ भी कहलन ठीक बा यदि बच्चा सन चाहत रह सन तो ओकर इच्छा अनुसार पॉलिटिक्स में जा, उ पॉलिटिशियन भी रहलन, ओइसे उनको उन हमर फादर और हस्बैंड हमर दू जना के सहयोग से हम आज अपने बानी भी केंद्रीय तक भी पहुंच गए बानी, और एक बहुत लोग के सहयोग भी कर रहा बानी। कहल जाओ तो एक राजनीतिक एगो सेवा भी तो हरनो हो कि ना, राजनीतिक सेवा ही हो, उस सर्विस ना हो, पॉलिटिक्स सर्विस ना हो, जे सर्विस सोच के करी एकरा एगो बिजनेस सोची एकदम गलत मानसिकता हमने के, तब हम सर्विस काहे छोड़ती, हम तो सर्विस मजा से मिलत रहे, अकाउंट सेक्शन में रहनी, मेडिकल कॉलेज में पॉलिटिक्सिंग रहनी, वो हम काहे छोड़नी सर्विस, एमे तो पहले सेवा कर हाँ कि ना, अवसर आई कहकर सोच से ना कहने, सबसे पहले तो मधेस आंदोलन में गईनी हम नेता बने कहके ना, मधेस आंदोलन में सहभागिता जनावे के पड़ल, भाषण उठा हमने के एजेंडा उठावे के पड़ल, हड़ताल में भाग लेवे के पड़ल कहके हमने गई, बाद में वो फोरम पार्टी बन गई, तो हमने के अचानक नेता नेते बन गई सन, तो वैसन भइल, और हमने के जान बुझ के हाँ है करम ना, एकदम हमने के पहले सबसे पहले तो पॉलिटिशियन के का चाहिए कि सेवा के भावना
होके के चाहिए। सर्विस करे तो बहुत क्षेत्र बा ना, नाफा कमाए के तो बिजनेस तो बहुत क्षेत्र बा। एमे लगानी चाहेला, अपन अपन समर्पण चाहेला है, वैसे एमे पहले लगानी समर्पण हम अपन समुदाय के तरफ देखे हम अब जहाँ जाए वैसे मदेशी के या मुस्लिम के हम वहाँ पर तो राख देनी ना, हमने तो अधिकार रहेंगे बा इन्हें होके के चाहिए पॉलिसी सब में, तो ये सब करे खतरा हमने के बानी था जी। कहल जाओ कि मतलब पहल भी हो रहा बाटे, पहल बहुत हो रहा बा, कैसे मुस्लिम समुदाय में कित। हाँ जी जी, अपने देखे हम सदन में हरदम मदेश की समस्या के बारे में बोले नहीं, हरदम समस्या मदेश की समस्या के बारे में जो बाड़ी बा हमने के जो रोड बनल बा उस सब के बारे में हमने पूरा बोलत रहे नहीं, कम से कम आवाज पुगे ला वहाँ तक, न तो हमने की सहभागिता ना हुई तो की आवाज पुगाई। जी सही कहने है, कैसे एक बार आवाज उठाएं दोबारा उठाएं तो वो एक ना एक दिन तो पूर्ण तो होके बेकरी। लेकिन आई मीन हमने के सबसे जीत गई बात ई शायद मदेशी दल भी एने बहुत लागल बा, माओवादी भी बहुत लागल बा, ई समानुपातिक समावेशी एकर कारण मदेशी के दलित के मुस्लिम के थारू के जनजाति के सब के कोटा यहाँ फिक्स भइल बा अथी में संविधान में, जेकर कारण हमने के अगाड़ी बढ़े का अवसर मिलता, हमने के समुदाय भी अगाड़ी जाता, ना तो हमने के कोनो अवसर ना मिली आंदोलन ना हुई तो, चाहे मधेश आंदोलन चाहे जन चाहे सशस्त्र जन कैलसन ये सब खतरा वही से अभी महिला के 33% अनिवार्य कैले बा, कुछ तो ठाव में लागू तो भइल बा कम से कम। अभी देखी ना पहले के अपने संरचना देखी बेरा में नियर रूप में दोनों पुरुष उतरल, महिला के तो कोनो नाम ही ना रहल जी जी, नियर रूप में दोनों पुरुष छोट मोट में नशा समय एक दुगो महिला रही को चाय पका दिए ए तब चिया पकाउन कहियसन बेचारी चाय पकाई जी जी ल महिला के उ बेरा में सदस्य सबके मतलब बहुत शोषण रहल के कहल जाओ बहुत शोषण उ लोग उतना था भी ना रहल बेचारा सबके सोचनो रहल कोनो अगाड़ी बढ़ावे के ना चाहत रहल कोनो पॉलिसी ना रहल कि अगाड़ी ले आवे अभी तो कम से कम संविधान के धारा मानू उ टेप के कोनो तो कम से कम झगड़ा कर सकता आवाज उठा सकता सदन में बोल सकता या कानूनी रूप से लड़ाई भी कर सकता ई जौन हमनी के संविधान में बाटे वही से ई एगो बहुत बड़का उपलब्धि भइल बा और अभी हर समुदाय के वहाँ उपस्थिति बा अपन अपन समुदाय के सब बात करे लालो लेकिन इतने से हमनी के पुगल नहीं गए सबसे पहले तो हमनी के मानसिकता परिवर्तन होकर जरूरी बा मानसिकता जो महिला के देखे वाला मानसिकता बा दोसर नागरिक वो चेंज जब तक ना हुई तब तक हमनी के भले सब चीज कर लेन सन लेकिन पीड़ित रहन सन विभिन्न किस्म के हिंसा सहे के पड़ी। जी सही कहनिया, यही में एक और बात अपने से जुड़े के साम चंद्र तारा जी, जैसे कि मतलब अपने भी मतलब अपन लाइफ में बहुत आगे बढ़ भी गई बानी, अपने मुकाम में भी बानी, अभी और हासिल भी करे के बा अपने के, तो ये सब के अवधि में अपने ऐसा मतलब कोनो ऐसा संघर्ष कैले बानी कि ना जिनकी अब क्षणिक हो को वो अपने भूल भी ना सके, ऐसा कोनो संघर्ष की जो कि हमारे श्रोता मित्र भी एकदम सुनेम लोग कि हाँ अपने के संघर्ष को जारी बा। हमरा लागेला न महिला के जन्म से ही संघर्ष शुरू हो जाला जी, तो जन्म भइल उहे बेरा में बेटी भइल खास उतना हमने हमर भाई रहे ओकर दान जमे हमरा उतना खास हमरा फैसिलिटी उतना ना रहे जितना हमर भाई के रहे जी। हां हम इंदर शुरू से एकदम शोषण तो ना रहे काहे कि पढ़ाई उड़ाई में सब में रहे फिर भी हमरा फीलिंग हो के हल्का फुल्का कि मतलब बेटा बेटी में फर्क बा, बेटी में फर्क हल्का फुल्का रहे तू तो बेसी पढ़ के भी का होई तोरा तो शादी करके जाए के काम छी जॉब करके अपन बच्चा अपने पढ़ा के अपन मतलब सपोर्ट से अपने पढ़ा के हम कनिके अभी तो कुछ दिन बाद हस्बैंड सपोर्ट करे लगन एगो हमर बेटा डॉक्टर बा एगो इंजीनियर बा जी जी एकदम सपोर्ट करके हम एकदम छोट 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 पैसा बचा के एकदम बोर्डिंग में कितना मिली कहीं ना बोर्डिंग से शुरुआत करके मेडिकल में काम करके ओकर बाद हेने आके ओकर बाद बहुत संघर्ष करके उ टाइम में हम अगाड़ी बढ़ल बानी वैसे हम महिला लोग से कहें कि संघर्ष महिला के जन्म से शुरू हो जाला उसे घबराए के ना सबसे पहले तो ओकरा एक तो भ्रूण हत्या अभी सुनता नहीं वो तो गर्भ में रहते हैं महिला पर समस्या बात इतना तो भ्रूण हत्या हो जाता है एबॉर्शन करा के बेटी ना चाहिए बच्चे से जन्म नहीं सन बहुत घर में संघर्ष करो
ओकर बाद बाहर जा समुदाय में संघर्ष करो, ससुराल में संघर्ष करो, विवाह फिर बाध्यात्मक बा, लड़की के विवाह हो गई के चाहिए ओकर कारण संघर्ष वहाँ करो ससुराल में, ओकर बाद फिर वहाँ निमन नहीं थे तो वहाँ भी संघर्ष करो, जो हस्बैंड निमन बा घर पर निमन बा तो ठीक बा, कितना जना के तो जरा देला, कितना दहेज के तरह टर्चर, कितना जना के बेटी खाली बेटी भले ऊ टर्चर, कितना जना के हस्बैंड के टर्चर, विभिन्न टर्चर बा महिला के, ये सब पुरुष के तो नहीं थे, तो ये सब टर्चर के सहते हुए संघर्ष करके हम कहें महिला दीदी बहन के अपन अगड़ी बढ़े के चाहिए, हमने के संघर्ष से घबराए कि ना संघर्ष हमने के स्ट्रगल हमने के लाइफ इज स्ट्रगल जनता में एकदम सही है, लाइफ स्ट्रगल हो एक हमने के क्यों में ले जाए कभी हमने सोचे के पास जी कैसे कहल जाओ कि बिना संघर्ष के जीवन में व्यर्थ हुआ, बिना संघर्ष के ककरो जीवने नहीं के स्पेशल हम कहता नहीं जी जी जरूरी बात जी ई तो सही कहने है कैसे महिला के तो शुरुआत में जगह कहनी अपने के जन्मते हमें के संघर्ष जारी हो जाला कि हमें के एक बेटी ऐसन हमें के दिमाग में उए रहेला कि मतलब घर परिवार से ही डाल रहेला कि तू पराया घर में जेबू तर ई घर ना हटे एमे चाहिए अपने कथी कहे के चाहे एकदम हमरा ई ठीक ना लागेला काहे कि देखी उतने बेटा बेटी के समान है से बा महिला पुरुष के समान बा हमनी के समान ब्लड सब चीज हमनी के समान बा ना लैंगिकता के हिसाब से हमने के फरक बानी सन लिंग के आधार में महिला पुरुष बानी सन तो हमने के सब सेम बा हमने के सोच सेम बा हमने के भी दुखाला हमने के भी सब चीज होला लेकिन क्या होला कि जन घर में हमने के जन पेरेंट्स सब बा वो लोग बेटा बेटी में भेदभाव छुटे होला एकदम उसे मानसिक स्थिति में महिला खराब असर पड़े हमने के अभी भी हमने के तोर घर ही छोड़े अपर आया हो क्योंकि शुरू से हमने के ना रहे स्कूलिंग हमने के भी बनू तो कितना नहीं रही हर एक बात में कितना नहीं रही उस दिन के मेहमान बाजे सन जब शुरू हुए से हमें के जन्मते कहल जाओ कि जन्मते हमें के ए एहसास दिया दिखावल जला समाज से के परिवार से और से हमने की शादी हो गई बट जाने सन तो हमने के वो घर कहाँ अपन जैसन लगे ला हमने के वो लोग सब के व्यवहार भी अब वहाँ के बेटा पतो के रहला हमने के व्यवहार भी पर आए टाइप ही होला हाँ समाज होला लेकिन फिर भी फीलिंग जोन होला वो अपन जैसे ना होला वैसे इंटरव्यू जी 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 सही कहनी है और एक और बातें मैं अंतिम में पूछे के चाहे कि जैसे कि अपने मतलब बहुत ऐसा चीज झेल भी ले ले बानी बहुत ऐसा चीज में आगे भी बढ़ गल बानी तो हमें जितना सुन रहा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष के श्रोता मित्र बने अंतिम में अपने कथी कहे के चाहे में अंतिम ये हम लास्ट में कहें लाइफ इज स्ट्रगल हो एक घड़ाए के ना और अपने अगड़ी बढ़े के बढ़ महिला के स्पेशल हम महिला बने उसे कहें कि महिला लोग तो और ही ना घबराए के अपन परिस्थिति से लेकिन डराए के भी ना घबराए के मतलब डराए के ना सहे के भी ना अभी तो विभिन्न किस्म के नियम कानून भी बन गए बा वैसे बसे के ना अपन तरीका से ओकरा के झेले मतलब ओकरा लड़ाई करे के लड़ के अपन अगड़ी बढ़े के आ अपन लड़ाई जारी रख के अगड़ी बढ़े के चाहिए इतने कहे के चाहिए श्रोता से जी जी चंद्र तारा जी बहुत बहुत धन्यवाद बा जोन की हमें अपना महत्वपूर्ण समय देनी है अभी काठमांडू रह के भी फोन से ही अपने अपन मतलब दू शब्द यहाँ रखने ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा जी 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 अपने भी बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद जी श्रोता मित्र ई रहनी चंद्र तारा जी जौन कि सही में बिजी रहनी है बिजी समय में भी हमें के जौन निम्ति अनी सन अनी दू शब्द रखनी अपने विचार भी रखनी और ये बहुत अच्छा कहनी है कि सही में हमें के लड़की जात कहल जाओ महिला नारी ई नारी महिला लोग हमें के जन्मते हमें के सोच में आ जाला कि हमें के पराया घर जाए के बाटे आ ई हमार घर ना हटे वही वहाँ से हमें के फील होकेला कि हमें के कमजोर बानी सन पर हमें यह कमजोर ना रहें वो बात कि हमें के स्ट्रांग पावर लेके ही चले के चाहें कि हमें के महिला हैं सन बिना मतलब हमें के घर तो हम ही एक घर है नो बिना घर महिला के घर घर ना रहेला एक मकान रहेला वही से हमें के घर बनावे खातिर एक महिला के ही आवश्यकता पड़ला वैसे महिला बिना तो घर घरे ना रहे तो समझे कि हर घर हमने के घर हमें कि ना सोचे सन कि ई हमर घर ना हटे बिहान हमें कि पराया घर में जाए के बाद ना हमें कि हर घर हमें के घर कैसे बिना महिला के घर घर ना रहेला और ये श्रोता मित्र अंतिम में कहे के चाहे कि सही में हमें के पूजा पाठ करे खातिर कयों कयों लाइन लागे नहीं सन बहुत दिन तक ले हमें के उपवास भी करे नहीं सन कि हमें के माता के पूजा करे के बाद सरस्वती के पूजा करे के बाद लक्ष्मी के पूजा करे के बाद लक्ष्मी घर में भित्र आवे के बाटे पर हमें के खुद के घर के लक्ष्मी
यानी कि गृहिणी के हम के इज्जत करे के भूल जाने से यदि अपन घर के गृहिणी के इज्जत करें या समाज के महिला की इज्जत करें सम्मान देम तो अपने समझेम कि हाँ माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा के पूजा कर लेने तभी जाके अपने के कौनो अखंड या कौनो उपवास या कौनो पूजा आजा सफल रहे चाहे अपने लक्ष्मी समझी या दुर्गा समझी अपन घर के ही समझेम अपन घर के ही औरत के मान सम्मान देम तो अपने हर लक्ष्मी के हर सरस्वती के अपने मान सम्मान देने कहके ये कहते आज हम मानती विदा मांगतानी अगला सप्ताह ऐसा के सफल नारी के लेके अबे करेम तब तक खातिर सुनते रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज़।